मैं आपको आपके यूट्रस को ब्लेस करता हूँ, मैं आपके यूट्रस को शुद्ध और ब्लेस करता हूँ। जी सिस्टर बता रहे कि काफी समय से इनका यूट्रस का ऑपरेट हुआ था और जिसके कारण इनसे बैठा नहीं जाता था और इनकी इनकी बॉडी में पूरी दर्द रहती थी, और जब बता रहे कि हीलिंग को जैसे इन्होंने रिसीव किया, और जब बता रहे कि आज उसी समय प्रभु की आत्मा ने इनको छुआ, जब बिल्कुल उस दर्द से फ्री हो चुके। कितने समय से ये आपको प्रॉब्लम थी? 2014 से। क्या यूट्रस की क्या प्रॉब्लम थी? बच्चेदानी कढ़वाई तो दे करके बैठा नहीं जाता ही, पैरा भार। तो सोमवार मैं आई ही ताड़ी को मीटिंग दौरान, तो अगले दिन ही मैं सारा कोठा धोता तो बैठ के ही वो करना। ओके, तो मेरे दर्द कोई नहीं हुई। अच्छा, हाँ जी। और आज अभी अपने फिर चेक किया? हाँ जी, ठीक है। मैं आज भी बैठ कर दिखाऊं? तारीफ करो जोर से। सुनो 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 सुनो, बताओ कुछ कहना चाहते हो? बताओ, माइक दो। पापा जी, मेरा बेटा ना इधर आन तो पहले ना एक साल हो गया ही सोंदा नहीं, डरदा रहिंदा ही, दुष्ट आत्मा दिखदी। जदों दे ही एतवार फर्स्ट टाइम ही आए हैं उदन दा ठीक है, हुन ओ सोंदा है रमान। ये प्रॉब्लम आपके बेटे को कितने साल से थी? एक साल से ये ऐसे था, मतलब बिल्कुल एक साल से सो नहीं रहा था, डर रहा था। हां जी। और जिस दिन से आप यहाँ पे आए हो, हाँ जी, उस दिन से परमेश्वर ने क्या किया है? नींद दीती मीठी, फ्री किया है। जिदो मैं इन्हें दे दंदी, अपने बेटे को भी बुलाओ, उनके बेटे को भी बुलाओ। देखो यहाँ पे परमेश्वर का इसकी ग्रेस है, उसका आत्मा है, इसीलिए बाइबल में लिखा जहां कहीं उसका आत्मा है वहां पे आजादी है। आमेन। एक साल से ये देखो बेटा ये परेशान थे, और ये छोटी गवाही नहीं है, खुद की इनकी। एक साल 2014 से ये प्रॉब्लम थी, यूट्रस अपने निकाली, और अब ज्यादातर बैठ नहीं सकते थे। हाँ जी पापा। अब पिछले संडे, इस संडे, पिछले के इस संडे नहीं, आप फर्स्ट जेड़ा पिछला गया, इसी संडे आप फर्स्ट बार आए इस चर्च में। हाँ जी। और खुदा के आत्मा ने आपको छुआ, और अपने एक मंडे की मीटिंग जो हम करते हैं उसने उसको अपने अटेंड किया। हाँ जी। समझे है ना? हाँ जी। और आज वो 2014 से जो प्रॉब्लम थी आपको, उससे परमेश्वर ने आपको फ्री किया, और हाँ प्लस एक साल से हाँ जो आपके बेटे के ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक था, हाँ जी पापा, उससे भी क्या कर दिया? चंगा कर दे। देखो छोटी बात है ये, देखो बताऊं, एक साल से ये सोता नहीं था, दुष्ट आत्मा क्या करती थी इसके साथ, बताओ मुझे। ये इस तरह गल्ला करता रहिंदा ही सारी दिहाड़ी कि मैं आ करता जे करता जो भी इहदे च हैगा ही। ते बाद विच अहीं जांदे रहे चर्च बटाला, पर ने 2 महीने मैं खड़दी रही, रमान नहीं आया। पास्टर घर भी आउंदे रहे, नहीं फर्क पिया। फिर आपां सियाणे वल चल जाण डे पए, तो उहने 15-20 मिनट च वह सही कर दिता। ते उस तो बाद ठीक भी रहा, पर यह तो ठीक रहा ही, सारे ठीक नहीं रहे। वो मेरी बेटी आ इस तो वड्डी, वो जकड़ी गई, कदी मैं कदी वो बीमार रहन लग पी। ते उस तो बाद मैं जाले नूं देनी नहीं हाँ, तो सो जांदा हुंदा ही। ते मैं एक दिन कहा कि जल नहीं देना, वेखदे हाँ। कि फिर दिवाली एक दिवाली पिछली दिवाली होया बीमार, उस तो आ जड़ी हुण दवाई ना के फिर वो ही काम चालू हो गया। दुष्ट आत्मा सौ नहीं देंदी इहनूं, फिर दिखाई देण लग। और इस संडे इनकी जब मीटिंग आए तो मैंने ले हैंड की थी। हाँ जी। क्या की थी? ले हैंड की थी इनके बेटे के ऊपर। किया कराया, चल चल उखड़, छोड़ उस बच्चे को, चल छोड़, चल पूरी तरह से। और उसी दिन से परमेश्वर ने जब इसके ऊपर ले हैंड हुई, दुष्ट आत्मा ने इसके उस दिन अटैक तो आया, और उस दिन से परमेश्वर ने फ्री किया, और उस दिन से अब हाँ जी अच्छी नींद सो रही, कोई डर हाँ नहीं, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं, कुछ नहीं है। नहीं कुछ नहीं पापा। और प्लस आपकी भी 14 साल की ये बीमारी, और एक साल से हाँ जी जे आपकी बेटे के ऊपर जो दुष्ट आत्मा अटैक करती थी, हाँ जी, उससे भी प्रभु ने क्या किया? बहुत हम नींद आने लग पी, नहीं तो भी नहीं सौंदी होंगी सारी रात। उन्हें कहना मेरे इतने दर्द होंगी, मेरे उत्थे होने नहीं कहती। जिदन दे आपां संडे तो आंदे आज आई वो बेटी आई आज, हाँ बुलाओ उन्हें भी, बुलाओ
ये देखो, और उस मंडी इसके ऊपर भी ले हैंड हुई थी। उखड़ जा, उखड़ जा पूरी तरह। क्या हुई थी? और देखो परमेश्वर ने इसे भी कितने समय से इसे प्रॉब्लम थी? ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਗਈ ਦਿਲ ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਸੀ ਕੀ ਡੈਥ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਕਦੀ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਰਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਾਂ ਉਦਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਉੱਚਾ अनोखे कम करीदा है ये छोटी बात नहीं है करीदा है तारीफ करो अपने हाथों को उठाकर खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करो करीदा है छोटी बात नहीं है कोई अनोखे कम करीदा है समय से परेशान है करीदा है यहोवा अनोखे कम करीदा है आमेन Amen. 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 और आज ये भी उस दिन से फ्री है। इसके लिए आपने कितना पैसा खर्च कर किया होगा? बहुत पैसा लगन दिया पापा जी साडा ते। कितना आइडिया कितना खर्च कर दिया होगा? 30-40 हज़ार ते लग ही गया ते वो वैसे भी एक साल हन हो गया वा हर महीने दो महीने बाद 30-40 लगदा ही रहा साडा हर महीने दो महीने। अभी आप साल का कैलकुलेशन करो हाँ? साल का अगर 30,040 एक महीने का अभी 12 महीने का कैलकुलेशन करो कोई है कोई हमारे बीच इतना जल्दी कैलकुलेशन करने वाला हाँ? तो पापा जी यही एक जाना नहीं पहने नहीं मंजे दे चार जाने हाँ? मंजे दे पहने नहीं 3,60,000 रुपया एक साल में इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स के लिए खर्च किया फिर भी कोई हल नहीं हुआ घर भी बदल के देखा फिर भी नहीं कोई प्रॉब्लम घर भी बदला फिर भी कोई हल नहीं हुआ और देखो आज आपके सामने और पूरी तरह परमेश्वर ने क्या कर दिया तारीफ करो इन तीनों गवाहियों के लिए एक साथ जो परमेश्वर ने इन सबको छुआ और आजाद किया है प्रॉब्लम की वजह से घर भी चेंज किया फिर भी दुष्ट ने छोड़ा नहीं पर किसकी ग्रेस से छुड़ाए गए ये पापा जी अब बेटी ने तो 10-11 साल हो गए ना दर्दा नाल अच्छा इसे 10-11 साल हां जी इनु होन फर्क पिया वा उदों दा 10-11 साल इनु तो 1 साल ही होया बेटे नु ठीक तो वैसे ओ भी नहीं पर उस तरह नु कोई प्रॉब्लम नहीं एदा मुंह दा हैगा है मुंह एदा सीधा नहीं छोटे हुंदे दा हो गया छोटे जब छोटा था तब से शैतान ने इसके हाँ, फेस को टेढ़ा कर दिया हाँ जी 1.5 साल दा ही और 1 साल से इसके ऊपर ज्यादा उस दुष्ट आत्मा का प्रभाव हो गया हाँ जी ते ए 10 साल तो ये 10 साल से इसकी प्रॉब्लम थी हाँ जी देखो दर्द दी दर्द जिथे मर्जी होने लग पेंदी है देखो होन ठीक है ये किसकी ग्रेस से छुड़ाई गई हैं हाँ बोलो किसकी ग्रेस से छुड़ाई गई हैं किसकी ग्रेस से उस सामर्थ्य परमेश्वर और डॉक्टर जीसस के लिए तारीफ करो जोर से इन तीनों गवाहियों के लिए अपने हाथों को उठाते हुए और अपनी गवाही के लिए